ये दोस्तों काफ़ी अरसे के बाद आज मेरे पास आए हैं ये। ठीक है, बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। ये भी चुन्नू मुन्नू मार रहे हैं, कितना प्यारा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत इनका कलर है, खूबसूरत इनकी आंखें वगैरह, रेड आईज़ हैं, बड़ी माशाल्लाह प्यारे हैं। मैंने इनको उठाया है तो ये डग्स वगैरह आके मेरे साथ आके ठहरी है कि आपने इनको क्यों उठाया, मुझे मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि डग्स वगैरह अक्सर हमारे साथ होती है ना, तो जहाँ जाता हूँ डग मेरे पास ही होती है। लेकिन आज ये चिढ़ रही है कि इसने इसको साथ क्यों बिठाया हुआ। और इस साइड पे इसको रैबिट, इसको सॉरी, ये देखें जी, पैरेट को हमने खाना डालना था इनको, खाना वाना, लेकिन इसका ये मैंने टीका वगैरह उठाया है, टीके के जरिए, सुरिंज के जरिए इसके मुँह में डालते हैं, तो वो सुरिंज टूटी हुई थी, लड़के को भेजा हुआ इसके साथ के कि जा लेके आया, वो लेने के लिए गया, अभी तक तो नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। सारे परिंदों को, बर्ड्स को हमने खोला है, खोल के उनका दाना पानी डाला, दाना पानी डालने के बाद ये देखें वो साइड पे ठहरे हुए खा रहे हैं। ठीक है, वो देखें वो सामने ठहरे हैं, लेकिन ये रैबिट्स वगैरह मैं से बैठा था चार पाई पे आके मेरे बराबर में बैठ गए, पता नहीं इनको भी भूख वगैरह लगी हुई है क्या। लड़का हमारा छोटा भाई ये गया हुआ है घास वगैरह लेने के लिए, और इस साइड पे पैरेट वगैरह बैठा हुआ है। पैरेट का मैंने मसाला वगैरह वो सीरीलैक वगैरह बना तो लिया है, लेकिन वो सरिंज वगैरह टूट गई थी, लड़का लेने के लिए गया हुआ है। केज वगैरह माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं, कुंजियाँ वगैरह ठहरी हुई हैं उस साइड पर। इसके बाद इस केज के बाद कुंजियों का हम केज बनाते हैं, केज बनाने के बाद ना उसको कुंजियों को यहाँ पक्का पक्का इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये एक ही जगह टहरे रहें, ताकि अंडे बच्चे वगैरह हमें दें। ओह, एक रैबिट्स लड़का वगैरह और उठा के ले आए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी इतने देर। ये देखें ये शुरू शुरू में तो तंग हो रहा है, लेकिन ये इनके साथ नहीं बैठेगा, ये शायद बैठ गया, ये देखें हाँ ये भी बैठ गया, दो ये बैठे हुए, एक ये बैठा हुआ है, तीन तीन आज हमारे पास कुछ खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये बैठे हुए, वरना ये हाथ ही नहीं आता। इनकी दोस्तों खूबसूरती चेक करो, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है इनकी, ये देखें जी, वाइट रंग के तो अंत की खूबसूरती है, बाकी हैं हमारे पास जिससे दो तीन है, लेकिन वो इतना ख़ास खूबसूरत नहीं है। ये जो चार रैबिट्स हैं ना हमारे पास, जो चार बच्चे हैं, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये देखें जी, एक ये बैठे हुए तोता, इसके अंदर सबसे बड़ा साइज ये वाला है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटे वाला ये है। ये भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल में कि नीचे चला जाऊं मैं। एक इसका भाई उस साइड में आया हुआ है, गमलों के साइड में, हाँ ये आया हुआ है, देखें ये शायद हमारे पास आ जाए। एक कुत्ते करें, लड़का पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखें ये आया, देख के वो वापसी भाग गया। पकड़ 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 पकड़, तेरे को लिए नहीं नपड़ी थी, पकड़ के नहीं को दास। ये दोस्तों इधर देखें पानी, ये दोस्तों हमसायों के बच्चे आए हैं हमारे पास, कहते हैं यार हम नहाना चाहते हैं स्विमिंग पूल में, मैंने कहा नहा लो यार। ये देखे जी, ये अंदर दाखिल हो गया, वो देख बत्तखों वाले पानी के अंदर, बत्तों को भी गुड़तियाँ दे रहे हैं, और आप भी बेच बेच उनको धुआं टिका के, ये धुआ धुआ इनको, पानी ठंडा है, ठंडा क्या नहीं ठंडा है, गुड़ते एक बस छोटे नहीं धाने धाने डाने, तो सब गुड़ते खाओ बेची में आई में, आई में एक तू तू बिला ना, सिला ना काट, सिला ना काटे बेच मत। देखिए जी कैसे नहा रहे हैं बत्तखों वाले पानी के अंदर, ठंडा है पानी, हाँ फोली आके भी, हाँ ये सैर पे ता खड़ो हुए, हाँ ना ना है नाले यार, नाले यार बीच में पहुंच ना है, ये कह रहा मैं नहीं नहाता। देखें उन्होंने शोर मचाया, वो कह रहे हैं कि हमारे वाले स्विमिंग पूल में आज कौन नहाने के लिए आ गया, उधर उन्होंने शोर मचाया और इधर इसको ये यानी कि ये देखें बत्तख को लेके जा रहे हैं, और उसको भी बत्तख के भी गुड़तियाँ दे रहे हैं, बीच में आप भी यहीं पहना रहे हो, देखो अल्लाह तो बताओ तो क्या हो गया इसका, एक दो बुला करें जी मैं करें ना प्या में।
इवें तले थी के, तले थी के। हाँ इवें आओ भाई, पूंजी हमारे बाहर निकल गई है, उस साइड पे गई हुई है। ये देखें जी, ये इनको खिलौना मिल गया है, वो देखें, एक ही साइड पे फेंक तो उसको, दूसरा उसके साइड पे फेंकता है। गुड़ती गुड़ती देख इनको बजाया कर। टुब्बी डिमा टुब्बी इनको टुब्बी। हाँ ओ लड़का टीका ले आया है, वो देते कितने गेंदे, कितने गेंदे, ठीक है चलो अच्छा हो गया, ठीक हमारा आ गया, इसको देते हैं। ये दोस्तों हमने अपने कुत्ते को टॉमी को आज यहाँ पे बाहर खोला है, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किसी को ये कोई बच्चे शच्चे को तो नहीं मारता, ये इसको अभी खोल के हमने चेक किया, लेकिन ये फ़िलहाल तो ये नहीं कर, किसी को कोई बात नहीं कर रहा, ना किसी को मार रहा है। ये देखें फिलहाल ये किसी को नहीं मार रहा, और दूसरे इनको यानी कि हमारे पास इनकी खुराक ख़त्म हो गई थी इनकी तित्रों की, लेकिन हमने इनको ना आज बटेरा वगैरह का वो और बाजरा वगैरह डाले ताकि ये खा लें, क्योंकि अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं ना ये, जिस टाइम लेके आए उस टाइम बिल्कुल छोटे छोटे थे, चल अब बाजरा वगैरह खाएँगे कुछ बेहतर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक बच्चा क्यों आँखें मीच के ठहरा हुआ है, इंडिया में एक ही नूटी खड़े, एक बच्चा ये वाला लगता है सही है, उसने आके वैसे ही बंद की हुई थी। दोबारा देखे ये इधर आ गया हमारे पास। ये दोस्तों सुबह सुबह हम इनको खोल रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम खोला है तो कल एक बच्चा इसके अंदर ना हल्का हल्का बीमार सा था, तो हैं ओए होए होए होए, ये कुछ चावे चावे मेरे ख्याल जिंदा है, ये कुछ चावे चा 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 ओए होए होए मोए होए। दोस्तों इसके अंदर कल एक बच्चा हमारे पास बीमार था, तो जिसकी वजह से यानी कि हमने उसको निकाले साइड पे बंद किया था, ये वाला ठीक है, ये देखें ये वाला, लेकिन अब सुबह के इसको जो देखा है ये भी मरा हुआ है, और इसमें के अंदर एक बच्चा और हमें अंदर यहाँ पे मरा हुआ मिला है इस साइड पे, पता नहीं क्या मसला है, क्या हो गया इनको एकदम, यानी कि तो एक बच्चा भी यह लगता है मेरे को बीमार है, ये वाला ये मोटर जी बिच खड़े हाई हो अच्छा नहीं, ये कुछ सही है इन्हें जो फीड वगैरह घन के आने हैं, हाँ ये हल्का हल्का नहीं यानी कि ये कुछ क्या हाँ, काफ़ी बच्चे इसमें दोस्तों बीमार हो गए हैं या एकदम पता नहीं क्या मसला है इनका, क्या हुआ एकदम, हालांकि ये बिल्कुल सही थे, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं था, कल ही यानी कि मेरे ख्याल में ये इनको मरने शुरू हो गया, बीमार होने शुरू हो गए, देखें ये भी ये भी मर गया है और ये वाला भी मर गया, बाकी रैबिट्स हमारा बाकी सही है। तो ये जो बारिशें आई हैं ना इस हफ्ते के अंदर, इन्होंने हमारा बस बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, कम से कम कोई 30-32 बच्चे हमारा मरे, 30-32 बच्चे, जिसमें मुर्गियों के हैं, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं, बत्तखों के हैं, चकोरों वगैरह के हैं, और इसके अंदर बटेरे वगैरह के, इनके सारों के, यानी कि इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा हमारा नुकसान हो गया। उससे ये डॉगी हमारा ना पहले यानी कि जब हम लेके आए थे पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, 3 दिन तो इसने भैया हमारे पास कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, एक ही जगह बस पड़ा रहता था, तो हमने इसको बांध के रखा हुआ था, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह अब ना कुछ कल से रोटी खाना शुरू हो गया, रोटी वगैरह हम इसको डाल रहे हैं, वो ये क्यों कुछ चक ना पाड़े, कल से ये रोटी खाना शुरू हो गया, और जो हमने बत्तख के बच्चे वगैरह निकाले थे जिसमें से एक बच्चा यानी कि कल हमारे पास से कौवा उठा के ले गया, अब हमारे पास टोटल 3 बच्चे इसके बच चुके हैं, ये वाले 3 बच्चे, लेकिन जो इसकी माँ है माँ का कोई पता नहीं है, उसने बस पैदा की और गुम हो गई है वो, ठीक है, किसी टाइम आती है इनके पास आके इनको खिलाती है, वरना नज़दीक ही नहीं आती सारा सारा दिन, तो इनको हम यानी कि खुद अपनी तरफ से खिला रहे हैं पिला रहे हैं, जैसे दूसरे चूज़े वगैरह हमारे पास वैसे इनको खिला पिला रहे हैं।